चलिए देखिए फिर से इस बार फिर से टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के सारे टर्म डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले बात है ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है। देखिए ज्योग्राफिक एक्सिस कल पढ़ी थी हम लोगों ने कि जो पोल्स के थ्रू जो एक्सिस जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस। सर स्क्रीन, यस बेटा सॉरी स्क्रीन प्रेजेंट कर देते हैं। ज्योग्राफिक एक्सिस ओके। तो पहली क्या है ज्योग्राफिक एक्सिस, देखिए ज्योग्राफिक एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ। इट इज़ द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब ये वो एक्सेस है जिस एक्सेस के अबाउट में अर्थ जो है रोटेट किया करती है, ठीक है ना। इट इज दिस एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज पोलर एक्सेस। ज्योग्राफिक मेरेडियन, एट एनी प्लेस द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल इज कॉल्ड ज्योग्राफिक प्लेन। ये मैंने बताया था ब्लेड ऐसे रख दो तो ये जो प्लेन बनता है वो क्या कहलाता है आपका, ज्योग्राफिक प्लेन, ज्योग्राफिक मेरेडियन, ठीक ना। फिर ज्योग्राफिक इक्वेटर, तो ज्योग्राफिक इक्वेटर के पहले ये क्या थी, ज्योग्राफिकल एक्सिस थी, तो ज्योग्राफिक एक्सिस पे जाने वाला प्लेन क्या था, ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक मेरेडियन। अब ये थोड़े से होती मैग्नेटिक एक्सिस, इस पर जो जाने वाला प्लेन होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस पे जाना, हाँ यस दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरेडियन। एट एनी प्लेस अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ इज कॉल्ड, वो तो हो गया सॉरी ज्योग्राफिक मेरेडियन। अब ज्योग्राफिक इक्वेटर बाद में बताऊंगा, पहले मैग्नेटिक एक्सिस देख लो। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, ये वाली एक्सिस। सो मैग्नेटिक एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। इट इज इंक्लाइंड टू द ज्योग्राफिक एक्सिस नियरली एट एन एंगल ऑफ 17 डिग्री, कल बता दिया। मैग्नेटिक मेरेडियन, इस एक्सिस से जाने वाला जो प्लेन होता है, हाँ ये जो प्लेन होता है ऐसा वाला, उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक मेरिडियन। एट एनी प्लेस ऑफ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, ओके। एट एनी प्लेस वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है ना। यस कल मैंने बोला था कॉपी का पेज रख लो आप ऐसे, तो ये ज्योग्राफिक है तो एक और जो पेज खुलेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखिए ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है, ये ऐसे बताया था ये वाला, यस एग्जैक्टली हाँ ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये मैंने बताया था ये ज्योग्राफिक पोल्स हैं, ओके। अगर आप इनके अक्रॉस में कुछ छल्ले लेते हो तो जितनी दूरी इस पोल की यहाँ से होगी, इस पॉइंट पोल से, उतनी दूरी हर पॉइंट से होगी, समझ गए ना। तो ये कहलाते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर। ऐसे ही ये है मैग्नेटिक एक्सिस, अगर इसकी दूरी पर आप छल्ले ले लो यहाँ पे, तो जितनी दूरी यहाँ पर इस मैग्नेटिक पोल से इधर की होगी उतनी दूरी इधर से, हर जगह से बराबर दूरी होगी, पीछे भी आगे भी। तो ये जो कहलाएंगे छल्ले जो कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, ये वाले कहलाएंगे ज्योग्राफिक इक्वेटर और ये कहलाएंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ में आ गया बच्चों सभी को, यस सर। तो एक है ज्योग्राफिक इक्वेटर, एक है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पढ़ देते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्किल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इट इज प्लेन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। All the point on the magnetic equator are at equal distance from the magnetic poles. Magnetic poles से equal distance पे हुआ करते हैं। चलिए next पढ़ते हैं। Okay, now come to the next point. This is called declination. अब आइए बात करते हैं declination, ठीक है ना। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया declination। ये देखिए, ये मान लीजिए ये geographic meridian है, मतलब north south pole का perpendicular plane। और ये क्या है अपना पास, मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी बताया ना मैंने वही कॉपी वाला सिस्टम, तो कॉपी का एक पेज पीछे जाएगा एक पेज सामने जाएगा, ओके। तो इनके बीच का जो एंगल होता है बेटा, इसको बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन ये है, और ये क्या है बच्चों, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, और इनके बीच का जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड declination at that place. It varies from place to place. चलो नोट कर लो इसको, दिस इज declination. किसी भी जगह पर ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ declination. The angle between the magnetic meridian and the geographic meridian at a place इज डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस, ठीक है बच्चों समझ में आ गया, यस सर यस सर ओके। हाँ हाँ जी बेटा,
So the angle between the magnetic meridian and the geographic meridian at a place is called angle of declination. ठीक है ना. और सरल शब्दों में बात की जाए तो देखिए, कल मैंने बताया था कि ये अर्थ है. अगर आप बीच से इस टमाटर को ऐसे फाड़ दें, एक चीज़ ये है, और एक इस टमाटर को इस तरीके से फाड़ दें, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ठीक है ना. और कॉपी में मैंने ऐसे कुछ करके बताया था. चलिए हाँ, ये केस रहेगा ना सर, ऐसे में ये. हाँ जी, यस यस, वही है. अगला देखिए, अब मैप, जब आप ग्लोब देखते हो तो ग्लोब में कुछ लाइंस होती हैं, बहुत सारी लाइंस होती है ग्लोब में, उनमें से एक लाइन होती है आइसोगोनिक लाइंस. तो आइसोगोनिक लाइंस उन सभी जगहों को मिला करके बनाई गई हैं जहाँ पर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम है. तो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया कि आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं. सो लाइंस शोन शोज ऑन द मैप थ्रू द प्लेसेस हैव द सेम डेक्लिनेशन. वे जगह जिन पे सेम डेक्लिनेशन है, समझ गए ना, उन जगहों को मिला करके जो लाइन बनती है वो क्या कहलाती है, आइसोगोनिक लाइंस. लिखे क्वेश्चन में, व्हाट इज आइसोगोनिक लाइंस. लाइन शोन ऑन द मैप थ्रू द प्लेस हैव द सेम डेक्लिनेशन इज कॉल्ड आइसोगोनिक लाइंस. ओके, ये रट्टा कंसेप्ट है एक तरीके से, कोई इससे साइंटिफिक वो नहीं है, रटना है इसको. जैसे कई सारी रेखाएं मैप में जाती हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ऐसे ही एक लाइन है आइसोगोनिक लाइन, हैविंग द सेम प्लेसेस ज्वाइन करने पर, एक्लिनेशन के उनको ज्वाइन करने पर बनता है आइसोगोनिक लाइंस. नेक्स्ट, लाइन ड्रॉन थ्रू द प्लेसेस दैट हैव जीरो डेक्लिनेशन इज कॉल्ड एक्गोनिक लाइंस. ऐसी लाइंस जो सेम जीरो डेक्लिनेशन प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं, एगोनिक लाइंस. नो नीड टू राइट, नॉट इम्पॉर्टेंट. चलिए अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे जो कि इम्पॉर्टेंट है. जरा देखिए स्लाइड की तरफ सभी लोग. देखिए अगला कंसेप्ट क्या है. कल हमने आपको कुछ बातें बताई, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चों सामने जो ब्लू कलर का प्लेन है दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन. जो मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करती है. सो ये है बच्चों हमारी मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो अर्थ का मैग्नेट प्रोड्यूस करता है उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है. कल जो मैंने आपको ग्राफ के ऊपर जो लाइन्स जा रही थी उनके ऊपर मैंने खींच करके बताया था कि ये बी है, और फिर मैंने उसके दो कंपोनेंट तोड़े थे, एक ये और एक ये, बताया था ना. तो ये देखिए ये बी है, तो बी का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सो दिस इज बी एच, एंड एक वर्टिकल डायरेक्शन में, दिस इज बी वर्टिकल, बी वी. सो वन इज बी एच एंड वन इज बी वी. अब उस एंगल को भूल जाओ, इस एंगल को याद रखो, इस एंगल को याद रखो. ये एंगल किसके किसके बीच का आर्यन, ये एंगल रिजल्टेंट इंटेंसिटी और इंटेंसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का है. बोलो हाँ. तो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप. तो लिखो लिखो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इंपॉर्टेंट. डेक्लिनेशन तो हो चुका, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको डेल्टा से शो करते हैं. हेडिंग डालिए एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. इसका साइन क्या है, डेल्टा. ऐसे एस बना करके एस को लॉक कर दो, नीचे से उसको घुमा दो पूरा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा. ओके, इंक्लिन, उसको डेक्लिनेशन को मैंने किससे शो किया, थीटा से, और इंक्लिनेशन को शो कर रहा हूँ डेल्टा से. ओके, तो किसके किसके बीच का एंगल है, ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटेंसिटी का और रिजल्टेंट कंपोनेंट बी, तो बी और बी एच के बीच का एंगल है. सो व्हाट आई कैन रीड हियर, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और इंक्लाइनेशन एट दैट प्लेस. ओके,
समझ में आ गया? तो ये मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में बात हो रही है, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो भी चल रहा है, तो ये एंगल इसके बीच का कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप, इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। अब देखिए, अब इस चीज़ को एंगल को निकालने हम पोल पे चलते हैं, समझिए अच्छे से कि पोल पे क्या सिचुएशन बनेगी, इस चीज़ को कोशिश कीजिए समझने की। क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट पोल। आप पोल पे गए, ये अर्थ है, या आप मैग्नेटिक पोल पे गए। अब बीच में मान लो, क्योंकि स्टडी के लिए अब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, अपन को जानकारी हो गई, वैसे तो सारी कैलकुलेशन पृथ्वी गोल है को लेके करते हैं, तो जानकारी हो गई। चलो 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 नॉर्थ में यहाँ आ गए। अब देखो, जो नॉर्थ में जो रिजल्टेंट फील्ड जाएगा, ये सीधा नॉर्थ से साउथ की तरफ सीक करेगा अंदर ही अंदर, हाँ या ना? करेगा ना। तो ये जो फील्ड है बढ़ते 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 इसी में चिपक जाएगा, नहीं चिपक जाएगा? अरे ये जो बी है ना, इधर आके सिमट नहीं जाएगा? ये देखो ना, टोटल नीचे आ गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एंगल भी तो बढ़ेगा। बढ़ते 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 डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू भाई, पहले मान लो, जैसे मान लो पहले ये था कि पहले ये फील्ड ऐसा टूट रहा था, बोलो यस। तो इसका जो है हॉरिजॉन्टल के साथ था, वो ऐसे था, इधर था, इस साइड। हाँ, ये इस साइड था ऐसा। तो इसका कुछ ना कुछ एंगल मान लो ये बन रहा था डेल्टा। अब जब तुम पोल पे जाना शुरू करे, ऊपर चढ़ना शुरू करे, तो ये जो इंटेंसिटी है वेरी होते 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 एकदम फ्लैट आ गई ऐसी। तो ये एंगल कितने डिग्री बन गया? 90। तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा पोल्स पे? 90 डिग्री। तो लिखो, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट पोल्स इज 90 डिग्री। नोट कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट पोल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिप, समझ में आया हर्षिता हंशिका? क्लियर है? यस सर। ओके, सो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट पोल इज 90 डिग्री। ओके, सो एट द पोल्स द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। और इसको अब इसको वापस आप चलते जाओ तो इधर जाओगे तो एंगल फ्लैट होते जाएगा, तो यहाँ पर आकर के कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर देखो, पोल पे 90 डिग्री है, अब आप नीचे आओगे तो इक्वेटर आएगा, तो इक्वेटर पे कितने डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। पोल पे गए हो तो बढ़ा है ना, अभी पोल पे गए हो तो ये देखो बढ़ना शुरू हुआ है, अब इधर वापस ऊपर की तरफ आओगे तो क्या हो जाएगा? घटना शुरू होगा, तो कितना हो जाएगा? 0। तो लिखो, एट द इक्वेटर, जब इक्वेटर सेंटर पे रहेगा तो उधर 0 हो जाएगा। हाँ, 0 हो जाएगा। इक्वेटर्स पे एंगल ऑफ डिप 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिंदा मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट मर जाएगा। इक्वेटर्स पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा, और पोल पे केवल वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। ओके, सो एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज 0। ओके, अब जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा आइसोगोनिक लाइंस, देखा आपने जो सेम एंगल ऑफ डिप इक्वल टू 0। वर्टिकल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। देखो, जैसे यहाँ पर आप आ गए थे 90 डिग्री पे, बोलो हाँ, तो ये पूरा बी सिमट करके बी भी के ऊपर आ गया था, मतलब जो बी है वो क्या बन गया? बी भी बन गया, बोलो हाँ। अब दूर जाते 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 इधर चले जाओगे तो पूरा जो बी है वो क्या बन जाएगा? बी एच बन जाएगा। तो दो बी बी भी बन गया, मतलब पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? निपट गया, मर गया, 0 हो गया। समझ में आया ना? और अगर इक्वेटर पे चले जाओगे तो बी इक्वल टू बी एच बन जाएगा, मतलब उस समय वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0। समझ में आया ना? हाँ यशराज, क्लियर है? यस सर। ओके, अब लाइंस जो सेम पोल एंगल ऑफ डिप को ज्वाइन करती हैं, दोज आर कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइंस। नोट कर लो, आइसो 0 डिग्री समझ नहीं आया। आइसोक्लिनिक लाइन, फिर बता देता हूँ, आइसोक्लिनिक लाइंस, आइसोक्लिनिक लाइंस जो सेम एंगल ऑफ डिप को ज्वाइन करती हैं, ऐसी लाइंस क्या कहलाती हैं? द लाइन ड्रॉन इन द मैप प्लेसेस दैट हैव अ सेम एंगल ऑफ डिप इज कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइंस। और जो लाइन 0 एंगल ऑफ डिप को ज्वाइन करेंगी वो क्या होंगी? एक्लिनिक। जैसे वहाँ पे थी अगोनिक, वैसे यहाँ पे है अक्लिनिक, नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अक्लिनिक लाइन। तो 0 एंगल कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे। कहाँ पे होता है?
इक्वेटर पे बताया ना अभी, पोल पे क्या होता है 90, इक्वेटर पे क्या होता है 0, आप बोल रहे हो। तो वो क्या बन जाएगा, वो मैग्नेटिक इक्वेटर बन जाएगा। अब तुम्हारे सवाल का जवाब सुनो शांत होकर के। एंगल ऑफ डिप की बात हो रही है, क्लियर हो गया, इस डेल्टा को ध्यान रखना बस। ये बताओ जब तुम पोल पे पहुंचोगे, पोल पे पहुंचोगे तो पोल पे जाओगे तो ये बी का कंपोनेंट जो है ये उधर सरकेगा आगे तरफ कि बी वी के पास पहुंचेगा, आगे जाएगा, मतलब तुम कह रहे हो इधर जाएगा पोल के पास। पोल में क्या होता है इक्वेटर, ये कहलाएगा, ये इसकी तरफ वी की तरफ जाएगा ना, ये बोलो सर बी वी की तरफ जाएगा, क्योंकि भैया जो पोल होते हैं उसमें फ्लैट हो जाएगा नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल, यस और नो। तो ऐसे होने के लिए बी को ऐसे ऐसे और एक समय क्या हो जाएगा ऐसा, बोलो यस और नो। एंगल डेल्टा यहाँ बन रहा था, नहीं बन रहा था, तो ये डेल्टा देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितने डिग्री हो गया फाइनली, समझ में आ गया, कहाँ पे पहुँच गए पोल पे। अब इसको उल्टा करो, घटते 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 कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे, पहले 0 से 90 बढ़े थे, अब 90 से 0, तो 90 से 0 पे जाओगे तो 0 पे कहाँ पहुँच जाओगे, इक्वेटर पे, समझ में आ गया। चलो तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाता है, सभी को क्लियर बच्चों? यस सर। हर्षिता क्लियर, हंसिका, हंसिका ओके। चलिए अगला टॉपिक देखिए, अब इसमें है, यस सर ओके। आप देखिए बच्चों, अब अगला टॉपिक है, लिखो बच्चों टेंजेंट लॉ, अगला टॉपिक लिखो टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ ओके, टेंजेंट लॉ, वो टेंजेंट लॉ नीचे है, सॉरी बच्चों टेंजेंट लॉ बाद में आएगा। हाँ अगला टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, देखो क्या रिलेशन है, अभी अभी मैंने आपको समझाया ऐसा कुछ। ये बी था बेटा रिजल्टेंट कंपोनेंट, ठीक है ना, रिजल्टेंट कंपोनेंट ये था बी ओके। ये एंगल जो था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, इधर देखो आर्यन, ये जो रिजल्टेंट कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, इसके साथ एंगल क्या माना था मैंने, डेल्टा, यस और नो। अब सुनना ध्यान से, 11th क्लास से मैंने पढ़ाया है कि जो हॉरिजॉन्टल की साइड में कंपोनेंट टूटता वो क्या होता, कॉस या साइन, कॉस। तो बी एच इक्वल टू क्या बनेगा, मॉड बी कॉस डेल्टा, थीटा होता तो कॉस थीटा टूटता था तो कॉस डेल्टा बनेगा, और ये बी वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, बी वी साइन डेल्टा, बिल्कुल सही। इसको नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2 दे दो बच्चों, 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर इक्वल टू, बी एच का स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा ओके, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, पाइथागोरस नहीं बोलते इसको, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, पाइथागोरस होती है हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर वो परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, समझ में आ गया, क्या समझ में नहीं आया, ऊपर वाला क्यों नहीं आया, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये कहाँ से बन गई नई आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, तो वो होता है ये इसकी वैल्यू बी एच की वैल्यू कितनी आई है, बी कॉस डेल्टा है, आप ही निकलवाई पुट कर दी, बी कॉस डेल्टा का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, बी वी की वैल्यू कितनी है, बी साइन डेल्टा, पुट कर दिया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, तो स्क्वायरिंग क्यों की फिर, क्यों ऐड, रिलेशन बनाना है ना, रिलेशन बनाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो बी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, तो बी स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो बी इक्वल टू जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, आंसर क्या हुआ, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, समझ में आया बच्चों की नहीं आया, बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाइए बी एच, वर्टिकल कंपोनेंट बी वी, और साथ में रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी जाने दीजिए, और बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा एंड बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा, बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा, ये बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा है,
डन। हंसी का क्लियर है? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आज? यस सर। ओके, देखिए अभी एक और रिलेशन है। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा एंड बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा। बी एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा एंड बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा। अगर मैं बी वी में बी एच का डिवाइड कर दूं, यानी बी वी अपॉन बी एच कर दूं, तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, बी वी अपॉन बी एच। बी वी क्या है? बी साइन डेल्टा। और बी एच क्या है? बी कॉस डेल्टा। बी से बी कैंसिल, तो कितना आ गया? टेन ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू बी वी बाई बी एच। ठीक है, ये भी नोट कर लो। सो टेन डेल्टा इक्वल्स टू बी वी बाई बी एच, मतलब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का टेंजेंट जो होगा, टेन मतलब टेंजेंट, वो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के डिवीजन के इक्वल होगा। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? आपको वर्टिकल कंपोनेंट दे देगा, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे देगा और आपको बताएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है, पूछेगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है। समझ गए? यस सर। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टेन डेल्टा आ जाएगा, उससे आपका वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो पढ़ते हैं अब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच। हाँ, टेन में वैल्यू रखे निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू दी रहेगी तो एंगल 90 आएगा जी। ये देखिए, हाँ पढ़िए हंसिका। The total intensity of the Earth's magnetic field does not lie in any horizontal plane. Instead, it lies along the direction at any angle of dip to the horizontal. The component of the Earth's magnetic field along the horizontal at an angle delta is called horizontal component of Earth's magnetic field. BH is equal to B cos delta. Similarly, vertical component is BV is equal to B sin delta. Such that, देखिए square कर दिया तो B equal to under root BH square plus BV square हमने proof कर लिया। चलिए अगला topic लिखिए बच्चों, tangent law। अगला topic लिखिए tangent law। Tangent law ये कहता है कि अगर आप कोई आपके पास magnetic needle है और आप उसको दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ठहरा रहे हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए एक मैग्नेटिक नीडल स्टार्ट में आपके पास, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक नीडल है और आपने एक मैग्नेटिक फील्ड ये लगाया B1 और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया B2। तो ये देखिए, ये जो आपकी जो सुई होगी, नीडल होगी, वो B1 को ना मानेगी ना B2 को मानेगी, दोनों के रिजल्टेंट को मानेगी। ओके, देखिए दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में अलाइन होगी कि नहीं हुई, समझ में ना? हाँ, तो क्या पढ़ेंगे? पढ़िए हंसिका। इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड इन अ रीजन वेयर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द नीडल विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड ऑफ द टू फील्ड्स एट एन एंगल थीटा सच दैट द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज द रेशियो ऑफ टू फील्ड्स। एग्जैक्टली। सो इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड इन अ रीजन वेयर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर। हाँ आर्यन, शर्त यही है कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के क्या काम करेंगे? परपेंडिकुलरली काम करेंगे। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली जब काम करेंगे, ओके, वीच अदर, द नीडल विल अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड ऑफ द टू फील्ड्स एट एन एंगल थीटा सच दैट द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज द रेशियो ऑफ द टू फील्ड। मतलब इस तरीके से अलाइनमेंट होगा कि जो दोनों फील्ड का रेशियो होगा वो इन दोनों के
सॉरी इन दोनों फील्ड का रेशियो टेन थीटा के इक्वल होगा। अब वो ऐसा क्यों होता है देख लो, मैं प्रूफ कर देता हूँ, नॉट अ बिग टास्क, देख लो भाई ऐसा क्यों होता है। जैसे ये समझो कि आपके पास ये निडल है, फाइनली इधर चली गई, अलाइन होके चली गई, बोलो हाँ, ये बी है, ये एंगल कितना है थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, बी वन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। बी वन बी का क्या है, कॉस कॉम्पोनेंट है ना, साफ दिख रहा है, तो बी वन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। बी वन जो है वो बी का क्या है, कॉस कॉम्पोनेंट, एंड बी टू इज इक्वल टू बी साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो आप साइन से कॉस को, वही सेकेंड रूल से, तो डिवाइड कर दिया तो बी टू अपॉन बी वन, देखो ऊपर बी साइन थीटा, नीचे बी कॉस थीटा, बी से बी कैंसिल, कितना आ गया टेन थीटा। तो यही तो प्रूफ करना है कि निडल अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी कि दोनों फील्ड का रेशियो जो होगा वो इस एंगल के किसके इक्वल होगा, टेंजेंट के। ये देखो लिखा है थीटा सच दैट द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज द रेशियो ऑफ द टू फील्ड्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो निडल अपने नॉर्मली कर दिया, हाँ 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 यस यही लिखना है। तो चलो सभी लोग नोट कर लो इसको। चलो कैसे नोट करोगे, इसको डायग्राम बनाओ फील्ड का, निडल बनाओ, डायग्राम बनाओ और निडल को मोड़ देना। फर्स्ट सिचुएशन में ये है और सेकंड सिचुएशन में निडल को मोड़ देना, ठीक है ना। फर्स्ट सिचुएशन में ऐसे रखो, सेकंड सिचुएशन में निडल को आप थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो निडल जो है यूं आ जाएगी इस तरीके से, और ये बन जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड बी। ये निडल इधर आ गई, निडल इधर आ गई, निडल इधर आ गई, तो लिखो बी वन इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी टू इक्वल टू बी साइन थीटा। इसको नंबर वन दे दो और इसको नंबर टू दे दो। अब टू में से फर्स्ट को डिवाइड कर दो, थीटा इन दोनों के बीच का, हाँ बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ना, थीटा नीचे वाला एंगल। ठीक है, यशराज क्लियर है? यस सर। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू बी टू बाई बी वन। चलिए ओके ठीक है, इसको लिख लीजिएगा tan थीटा इज इक्वल टू बी टू बाई बी वन। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अगला हेडिंग डालिए टाइप ऑफ मटेरियल्स, हेडिंग डालिए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, अगली हेडिंग डालिए टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। चैप्टर के लगभग एंड में हम लोग पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक जो फील्ड से दूर भागते हैं, और दूर मतलब मैंने कहा डाया, एक जो होते हैं पास आते हैं, तो उसको मैंने कहा क्या, फेरो मैग्नेटिक, और एक लास्ट जो है सॉरी पास आते हैं को मैंने कहा पैरा, और जो बहुत तेजी से पास आते हैं फोर्स लगा के वो होते हैं फेरो मैग्नेटिक। अब इनका हम डिटेल डिस्कशन पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालिए बच्चों, क्वेश्चन लिखो, राइट द फाइव डिफरेंस बिटवीन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लिखिए राइट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। युवराज इधर आओ, राइट द डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल, राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। ओके, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल में आपको डिफरेंस लिखने हैं। चलिए तो तीन कॉलम बना लीजिए अच्छे से, जैसे टेबल में बने हुए हैं आपके तीन कॉलम, एक तरफ लिख लो डायामैग्नेटिक, एक लिख लो पैरामैग्नेटिक, एक लिख लो फेरोमैग्नेटिक। तीन मटेरियल हैं और बस एक कॉलम आपको डिफरेंस घर में लिखना, बस थोड़ा सा डिक्टेट करते जाइए। नंबर वन डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं, डी फॉर दूर, मतलब ये रिपेल होंगे, क्या होंगे, फीबली डिमैग्नेटाइज होंगे या रिपेल होंगे, फीबली मतलब बहुत कम, हल्के से रिपेल होंगे,
ठीक है ना। पैरा क्या होंगे, पास में जाते हैं, पास मगर आराम से पास, मतलब फीबली अट्रैक्शन, ये फीबली अट्रैक्ट होंगे, नहीं जल्दी से नहीं, बड़े आराम से। ओके, एंड फेरो का मतलब होता है बहुत तेजी से। तो पढ़िए हंसिका, फर्स्ट वाला पढ़ो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Diamagnetic substances are those substances which are feebly repelled by a magnet. Example, antimony, bismuth, copper, gold, silver, quartz, mercury, alcohol, water, hydrogen, air, argon, etc. Exactly. So these are called diamagnetic substances which getting feebly attraction towards the magnetic field. जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फीबली, सॉरी रिपल्शन, फीबली रिपेल होते हैं। डाया मतलब दूर, दूर मतलब रिपेल। सेकेंड पढ़ो पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic substances are those substances which are feebly attracted by a magnet. Example, aluminium, chromium, alkali and alkaline, earth metal, platinum, oxygen, etc. Exactly. So these are paramagnetic. ये थोड़े से पास होते हैं, feebly attract होते हैं. And last, ferromagnetic. Read. Ferromagnetic substances are those substances which are strongly attracted by a magnet. Example, iron, cobalt, nickel, gadolinium, dysprosium. हाँ एग्जैक्टली। तो ये जितने मटेरियल आपने देखे लास्ट में, ये फेरोमैग्नेटिक हैं, जो मैग्नेट की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं। ओके, यस, लेट्स सी। अगर हम व्हेन प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड द लाइन्स फोर्स टेंड्स टू अवॉइड द सबस्टांस। अब हम तीन मटेरियल के सैंपल ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं डायमैग्नेटिक सबस्टांस, एक हम ले रहे हैं पैरा, और एक ले रहे हैं फेरो। आप देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का क्या बिहेवियर है अगर हम तीनों मटेरियल के सामने एक सेम मैग्नेटिक फील्ड को लेके आते हैं। समझ गए ना, क्लियर हो गया ना। तो तीन अलग अलग तरीके के रिश्तेदारों का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन फ्रंट ऑफ पैरा डायमैग्नेटिक सबस्टांस। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग देयर। अगर आप डायमैग्नेटिक सबस्टांस के सामने एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं, तो ये देखिए लाइन्स ऑफ फोर्सेस अवॉइड करके बाहर से निकल गई। डी फॉर दूर, मतलब फील्ड का है ना, हमें अंदर से जाना पसंद नहीं है, बल्कि मटेरियल कहता है हमारे अंदर से चले मत जाना, हमें तुम्हें देखना भी पसंद नहीं है। समझ गए। दूसरा देखिए पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, ये मतलब ये मटेरियल कुछ ऐसे इस रिश्तेदारों की तरह है कि वो हमारे घर आते हैं तो हम घर से बाहर हो जाते हैं 4-6 घंटे के लिए। दूसरा पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, अब देखिए इसके लिए लाइन्स ऑफ फोर्सेस का क्या बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक के लिए। ये पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, जब मैंने ये रखा, ये देखिए, तो बर्ताव क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव लाइन गई, जिसमें से तीन लाइन चली गई। समझ गए ना, मतलब ये एक तरीके से घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो रिश्तेदारों की आवभगत करने में लगे हुए हैं। बच्चे निकल लिए, अंकल तुम आओ या जाओ हमें कोई मतलब नहीं, टाइम पास हो तुम। समझ गए, ये हो गया। अब कुछ ऐसे रिश्तेदार जो पता रहता है कि बढ़िया खर्चा वर्चा दे के जाएंगे बेहतरीन, तो उनके लिए क्या बिहेवियर होगा, चिपके रहेंगे उनसे। सो फेरोमैग्नेटिक, समझ गए ना, ये देखिए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का बिहेवियर। सो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का बिहेवियर इधर देखिए कैसे होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए इतनी सारी लाइंस आई हैं, मैक्सिमम लाइंस जितनी पॉसिबल हो सकती थी, समझ गए ना, वो अंदर से निकल गई। इवन बाहर वाले पड़ोस वाले भी मिलने आ गए, कोशिश कर रहे थे घर में घुस जाएँ, ठीक ना, वो भी देखो ये आ गए। सो दीज आर द बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये देखिए लाइन एक में मतलब परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इसमें म्यू आर क्या होगा, ज़बरदस्त हाई होगा इसमें म्यू आर, इसमें म्यू आर क्या होगा, थोड़ा होगा, और इसमें म्यू आर बहुत कम होगा। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत कम है, इसकी ससेप्टिबिलिटी ठीक ठाक है, और इसकी ससेप्टिबिलिटी वेरी हाई, ससेप्टिबिलिटी मतलब ईज। इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत कम है, नेगेटिव में है, इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है। ये तीनों बातें जो मैंने कही अभी आने वाला है। चलिए ये हो गया, यस, नेक्स्ट। ओके, हाँ अगला पॉइंट पढ़ो बेटा, पॉइंट नंबर सेकंड, सेकंड पॉइंट। व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड, फीबल रिपल्शन। एग्जैक्टली भाई, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाएगा, क्योंकि रिपेल हो रहा है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो फीबली रिपेल होगा, तो ज़्यादा फील्ड से कम की तरफ जाएगा। दूसरा वाला क्या होगा, कम फील्ड से ज़्यादा की तरफ जाएगा, क्योंकि क्या है वो पैरा है, तो पास में जाएगा बट फीबली जाएगा, एकदम जोर लगा के नहीं जाएगा। समझ गए ना, और तीसरा बहुत तेज़ी से जाएगा। समझ गए ना, तो चलिए सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ो बेटा। व्हेन प्लेस्ड
When placed in non-uniform magnetic field, it moves from weaker to stronger field, feeble attraction. Third. When placed in non-uniform magnetic field, it moves from weaker to stronger field, strong attraction. Second वाला तो क्लियर कर दिया ना मैंने कि देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लिया था, अब इसमें पैरा डायमैग्नेटिक है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस को बाहर से जान देगा। थर्ड वाले में देखिए, अगर इसमें आपको सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो है ना, तो जो सैंपल होता है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से कमजोर की तरफ भग जाएगा क्योंकि उसे फील्ड पसंद नहीं है, है ना। और अगर आप पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस को रखते हो तो कमजोर रीजन से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा बड़े आराम से, और अगर इसको रखते हो फेरोमैग्नेटिक को तो लप से बहुत तेजी से कमजोर से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा। नॉर्थ और साउथ पोल है। देखो भाई, बात हो रही है मटेरियल की, बात मैग्नेट की नहीं हो रही है, फील्ड लगा हुआ है और मटेरियल की बात हो रही है, ऐसा समझो। अभी देखना आगे में समझ में आएगा, चलो देखना कैसे। हाँ, पॉइंट नंबर थर्ड पढ़िए हंसिका। व्हेन अ डायमैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। हाँ, अब देखिए डायमैग्नेटिक फील्ड है, इसमें समझो ये डायमैग्नेटिक फील्ड है और आप मैग्नेट लगा रहे हो, देखो ये फील्ड लगा रहे हो, ये देखो ये पहले सैंपल है, ऐसा लटका हुआ है। अब ये जो है आप फील्ड लगाए, ये हाँ ये मटेरियल है, हाँ एग्जैक्टली, ये आपने फील्ड लगाए, हाँ क्या होगा, ये दूर जाने की कोशिश करेगा, अपने आप को समेट लेगा, क्या करेगा अपने आप को समेट लिया, ये देखो हाँ दोनों से दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, फील्ड के परपेंडिकुलर, ये चाहेगा मेरा कम से कम पोर्शन मेरा इनके टच में रहे, फील्ड के टच में रहे, क्योंकि डाया मतलब दूर, तो अपने आप को ऐसे खड़ा कर लेगा कि हमारी शक्ल इनको ज़्यादा ना दिखाई दे, समझ गया ना, ये हो गया। दूसरा ये जो है, अगर आप इसको लगाएंगे सेकंड वाले में पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस का ये रोड को लटका देंगे, तो देखिए सेकंड वाले को पैरा मैग्नेटिक को लगाया, ये जैसे आपने फील्ड लगाया, ये देखो उल्टे तरफ से ये घूम गया, ये आ गया कि नहीं नहीं हम मिलेंगे हम मिलेंगे, समझ गए ना। हाँ, और तीसरा वाला ये देखो, बुआ जी आई हैं, लपट पड़े एकदम, ये देखो भाई ये जैसे लगा खट से बिल्कुल, देखो समझ गए ना, ठीक ना, टूट पड़े बुआ जी आई, ठीक ना। तो इस तरीके से ये हो गया। तो हाँ पढ़ दो बेटा एक बार फिर से हंसिका, सेकंड पॉइंट पढ़ो। व्हेन अ पैरामैग्नेटिक रॉड, व्हेन अ पैरामैग्नेटिक रॉड इज फ्रीली सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस इटसेल्फ इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। When a paramagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field, it aligns itself in a direction parallel to the field very quickly. Yes, समझ में आ गया? Clear? Very quickly. देखो